गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहानी कहानी बच्ची बूढ़ी नौजवान छोटी बड़ी सबको पसंद आती है। तो आज हम कहानी लेखन के बारे में सीखेंगे। कहानी लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ लें कि आपको चित्र एवं रूपरेखा के आधार पर उसको अच्छे से समझना है। के बाद कहानी के केंद्रीय विचार को अच्छी तरह समझ लें कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है उसको अच्छे से समझ लें। अब कहानी के प्रत्येक मुद्दे का क्रमानुसार विस्तार करें। कहानी में प्रयुक्त स्थान पात्र आदि को नाम दें। कहानी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें। पात्रों की बातचीत संवाद के रूप में लिखें कि आपको कहानी के हर एक मुद्दे को क्रम अनुसार घटना क्रम अनुसार उसका विस्तार करना है। हर एक मुद्दे कम से कम 3 से 4 वाक्य में होना चाहिए। कहानी के प्रत्येक स्थान पे पात्र आदि के नाम दो आप, ठीक है। और कहानी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें और जो पात्रों की बातचीत है उसको संवाद के रूप में लिखें। आगे है कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए कि ये जो कहानी लिखते हैं आप वो किसी घटना बन चुकी है, वो पास्ट की है, इसलिए आपको हमेशा उसको भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। आगे है कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए कि जो आप कहानी लिखते हो वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ना ही कि छोटा, और उसकी 3-4 परिच्छेद यानी पैराग्राफ में लिखना है आपको। अब कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी लिखते समय विराम चिन्हों एवं वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए, जो कहानी पढ़ रहा है उसको आसानी से समझ में आए और शुद्ध भाषा में होनी चाहिए। और उसके लिखते समय आपको विराम चिन्ह और शब्द की वर्तनी का ध्यान रखना है। कहते हैं कहानी का शीर्षक। तो कहानी का शीर्षक घटना पात्र स्थान या सीख के आधार पर देना चाहिए कि जो भी आपकी कहानी है उसकी घटना या उसके पात्र के नाम स्थान या सीख के ऊपर उसका शीर्षक होना चाहिए। आगे है कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्य में स्पष्ट लिखनी चाहिए कि कहानी से जो भी हमें बोध मिलता है सीख मिलती है उसे आपको 1-2 वाक्य में लिखना है और स्पष्ट लिखना चाहिए। और हाँ बच्चों, जब भी आप कहानी लिखते हो उसके बाद एक बार पुनः पढ़ लेनी चाहिए, आपको एक बार वो पूरी कहानी पढ़ लेनी चाहिए। तो इसी तरह से आप किसी भी रूपरेखा चित्र के आधार पर कहानी बना सकते हैं और कहानी लिख सकते हैं।